हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 4 जून दीक्षा अर्थात आरंभ। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। नव वृंदावन 4 जून 1969। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। बुद्धि कुनापे सिद्धासुते सधि कलत्रा दिशुभो मकिंजति जतीर्थ बुद्धि सलीले न करहिते जनेषु अभिज्ञेषु सएव भूखर। गोखर का अर्थ होता है गो का अर्थ होता है गाय और खर का अर्थ होता है गधा। तो जस्यात्म बुद्धि कुनापे सिद्धासुते ये जो शरीर है त्रिधातु से तीन प्रकार धातु से बने हुए कफ पित्त वायु। ये आयुर्वेद का अनुसार कफ पित्त वायु ये शरीर जो है थैली है। कुनप जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु तीन धातु से बनी हुई है जो एक थैली है। हड्डी मांस खून मल मूत्र ये सब चीज लेकर के एक शरीर बना है। उसको जो समझता है मैं ये शरीर मैं हिंदू है मुसलमान है इंडियन है मैं अमेरिकन है इस शरीर का संपर्क से जो परिचय देता है और शरीर से संपर्कित जो चीजें है जैसा देश है फैमिली है बच्चे है औरत है सब शरीर का संपर्क सभी कलत्रादिशु। कलत्र का अर्थ होता है स्त्री पत्नी। तो कलत्र आदि होते हैं शादी किया तो फिर स्त्री से बच्चे से पैदे हुए वो भी हमारा है और स्त्री हमारा है और ये शरीर से संपर्क जो भूमि है वो भी हमारा है नेशनलिस्ट और जिस फैमिली में पैदा हुआ वो फैमिली हमारा। ये जो देहात्म बुद्धि अहम मैत्री वास्तविक मैं परमात्मा की अंश है जीवात्मा भगवान खुद बता रहे हैं ममई वंश जीव। ये जो जीव है हमारा अंश है। मन संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर सकती ये भौतिक जगत में फंस गया और मन और इंद्रिय से ढक करके प्रकृति स्थानी कर सकती ये जो भौतिक जगत है इधर वो कुश्ती करता है सुखी होने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट। ये दिन भर हम लोग जो परिश्रम करते हैं ये एक मोटर कार मिल गया है नहीं तो और इसका ऊपर और एक मोटर मिल गया है ये जो दिन भर परिश्रम करते हैं इसके क्या कारण है ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इधर ठहरने का है नहीं मरने होगा सबको ही जानता है तो वो चाहते हैं हम इधर जीता रहे हैं मरेंगे नहीं। सब कर्मी लोग समझते वो मरने का खबर ही नहीं लेते। जो हमारा मरण होने वाला है उसको भूलने चाहते हैं नहीं हम मरेगा नहीं। और शास्त्र में ऐसा चाणक्य पंडित भी बनाया है नीति वाक्य में जो कर्मी जो है वो कभी ना समझे जो मरेगा वो केवल समझे हम हर दिन के लिए हम जीता रहे तब वो काम चलेगा। और जो ज्ञानी है और जो हक है उसको लिए ये समझ अब मरने ही है अभी मर जाए ये दोनों फर्क। अब मरने का पहले मैं प्रस्तुत हो जाए तो फिर हमको ऐसा जंत्र ना मिल जाए जो रास्ता का कुत्ता होके घेव घेव करने लगे। ये ज्ञानी और भक्त का विषय जो आगे हमको शरीर का हमको मिलना ही है तथा देहांतर प्राप्ति जबरदस्ती मिलेगा। जैसा वो अभी मैं कह रहा था कि जवान है वो अगर समझता है कि हम बुढ़ा नहीं हो मेरे बुढ़ा होने से बहुत तकलीफ है जैसे मैं बुढ़ा हूं बुढ़ा नहीं होने चाहते वो दवाई की करके और कॉस्मेटिक लगा करके और क्या नाम कलफ लगा करके वो जवान रहने चाहते बाकी प्रकृति उसको जबरदस्ती बुढ़ा बना दे
ये जैसे जबरदस्ती हमको बुड्ढे का शरीर लेने पड़ता है, हम अगर पहले हम नहीं चाहते हैं कोई सुनेगा नहीं, इसी प्रकार मैं जब ये शरीर छोड़ देंगे तो एक शरीर हमको मिलेगा तथा देहांतर प्राप्त, उसको हम रोक नहीं सकते। और क्या शरीर मिलेगा मालूम होना चाहिए, बाकी एक शरीर हमको मिलेगा निश्चित है। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मरने का बाद सब खत्म हो गया, वशीभूत देह सूत पुनरागमन भवे, ये नास्तिक लोग कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। बाकी हमको तो ज्ञान मूर्ख से लेना नहीं है, हमको तो ज्ञान लेना चाहिए गुरु से। और सबसे सबका गुरु कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण सबका गुरु है। पहले गुरु तो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का गुरु है भगवान। तेने ब्रह्म रिदा जो आदि कवि, आदि कवि का ब्रह्मा है, उसको भी हृदय में जो ज्ञान दिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये शास्त्र का निर्देश। चैत्य गुरु हम लोग ज्ञान लेते हैं भगवान से, और नहीं तो भगवान को जो प्रतिनिधि है, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान को ही गुरु बनाया है, ये गुरु परंपरा है, भगवान खुद बता रहे हैं। एवं परंपरा प्रातम इमंग राजु, परंपरा भगवान गुरु है, और भगवान से जो डायरेक्ट सुना है जैसा अर्जुन है वो भी गुरु है, और अर्जुन से सुना है वो बताते हैं वो भी गुरु है। गुरु परंपरा होता है, गुरु भूमि फोड़ नहीं होता है जो कोई व्यक्ति आ गया गुरु हो गया, नहीं, गुरु तो वो भगवान का प्रतिनिधि। आचार्य मान भी जानी नाम मन नहीं तो करे चीत, भगवान बता रहे हैं कि आचार्य जो है वो मैं ही, आचार्य मान भी जानिया नाम मन नहीं तो करे चीत, उसको साधारण नहीं समझना मैं ही। तो गुरु परंपरा का, गुरु परंपरा से हमको ज्ञान लेना है। तो भगवान कहते हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, देहांतर होता है, और वो देहांतर किस तरह से होता है वो भी बताया गया है शास्त्र में। जन जन वापी स्मरण भावम तजतंते कलेवरम, मरने का समय जिस जिस प्रकार की भाव मन में रहेगा उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा, सब चीज बताया गया। तो ये जो हम जीवात्मा है परा प्रकृति अपरायम इतुस्त विद्धि में प्रकृति परा जीव, जीवात्मा जो है ये परा प्रकृति, प्रकृति है पुरुष नहीं, भगवान खुद बताता है। जो पुरुष होने चाहते हैं, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, भोक्ता नम जगत अवसाम सर्व लोक महेश्वर, वो पुरुष है सब चीज का भोक्ता, सब चीज का मालिक, ये उसका नाम है पुरुष भोक्ता। भोक्तारं जगत अवसाम सर्वलोक महेश्वरम, जैसा हमारा हिंदू का घर में अभी था, पुरुष जो है उनको प्रधान माना जाता है। अभी तक मैं जहां तक जानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान में वो पत्नी तब मैंने पुरुष को पूछता है कि आज आपको क्या खाने की इच्छा, वो बताते हैं ऐसे ऐसे चीज बना, तो पत्नी सब बनाते हैं उनके इच्छा के अनुसार, और सब कोई करते हैं। ये अभी तक जहां तक हमको मालूम है। इसी प्रकार पुरुष का अर्थ होता है जो उनका निर्देश से सब कुछ चलेगा, ये पुरुष। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवद गीता सुन करके भगवान को शिकार क्या हो, जो आप जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, पुरुषाम शाश्वत, आप पुरुष है। पुरुष का अर्थ होता है मालिक, हुक्म देने वाला, उनका हुक्म से जो कुछ चलेगा इसका नाम पुरुष।
तो भगवान का नाम है महापुरुष, परम पुरुष, पुरुषावतार। ये सब शास्त्र में विष्णु को पुरुषावतार कहते हैं। पुरुष शाश्वतम नित्यकाल पुरुष, ये नहीं है या अभी पुरुष बना है पहले निराकार का, नहीं, नित्यकाल शाश्वतम। इसी प्रकार जो परम पुरुष है वो परम पुरुष में जो भक्ति है, ये तो भक्ति अधो खज ज्ञानम अधकृतम। जो पुरुष हमारा सामने अभी नजर नहीं आता है परंतु है, ये बात ठीक है। कैसे मालूम होता है ना? शास्त्र चुष्यात, शास्त्र का अनुसार उसको ज्ञान लाभ करना चाहिए कौन परम पुरुष है। केवल शास्त्र का अनुसार नहीं, परंतु भगवान स्वयं आकर के अपने को बता रहा है। ये भारतवर्ष का एक सौभाग्य है जो भगवान स्वयं इधर आकर के और अपने कार्यक्रम दिखा करके समझाते हैं कि भगवान क्या चीज है। समझो, इमेजिनेशन नहीं है जो हम जीवन भर केवल सोचते ही रहा भगवान क्या है, भगवान क्या है। भगवान तो है, सामने देखो ना। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लेब्यम आस्म गमा पार्थ नैतत्वाय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पे 3 प्रमुख शब्द आते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्लेब्यम और पार्थ। भगवान अर्जुन से डांटते हुए कह रहे हैं, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ, हे पार्थ तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम प्रथा के पुत्र हो, एक शत्राणी के पुत्र हो। तुम शेर का बच्चा शेर होता है ना, अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का कार्य न करेगा तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, ब्रह्म बंधु कहलाता है। वैसे ही क्षत्रिय का पुत्र अगर क्षत्रिय का धर्म नहीं करेगा तो फिर वो क्षत्रिय कैसे कहलाता? तो तुम पार्थ हो, तुम क्षत्रिय परिवार के हो, कुल के हो। वैसे ही अगर तुम, कृष्ण कहते हैं, अगर तुम प्रथा के पुत्र यानी कुंती पुत्र होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये क्यों हो रहा है? क्लेब्यम आस्मगम पार्थ। क्लेब्यम, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये नपुंसकता छोड़ो। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अनारजुष्टम स्वर्गम, तुम आर्य हो। आर्य मतलब जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का पालन करते हैं। अनार्य बोले हैं कृष्ण ने अर्जुन को, और यहां पे क्लेब्यम बोलते हैं, तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो। एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा ये एक अपशब्द हो गया। अब यहां पे 2 चीजें देख ली, एक परिवार से संबंध। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, आप कुछ गलत करें तो कौन है तुम्हारे माता पिता, क्या सिखाया नहीं है? या फिर आपके माता पिता स्वयं कहते हैं तुम किस खानदान के हो, तुम किस कुल के हो, वो तो देखो, कुल की मर्यादा को तो रखो, ऐसे कैसे नीच काम कर रहे हो। तो ये जो खानदान है, ये कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी
संस्कृति, हमारी सभ्यता को वो आगे बढ़ाता है, जो हमें हमने पूर्वजों से मिला है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है, हम अच्छे घरों से आने के बाद भी, और स्पेशली जिनका जन्म तो भारत भूमि में हुआ है, उनके लिए तो भक्ति करना, वैदिक सभ्यता का पालन करना और प्रचार करना, ये सबसे प्रथम धर्म है। तो हम अपनी ड्यूटीज कई बार देखते हैं, चाहे स्टूडेंट हो वो पढ़ाई नहीं करता, सोचिए कोई डॉक्टर का बेटा हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई टीचर का बेटा हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो कैसे, ऐसा बोलते हैं ना, नाक कट गया टीचर का, उसका बेटा या बेटी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लेकिन सब अलग अलग है, नहीं तो लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तुम तो प्रथा के पुत्र हो, कुंती पुत्र हो, एक क्षत्राणी के पुत्र हो, और तुम्हें ये शोभा नहीं दे। तो ये क्यों होता है, बहुत लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं इसको। आजकल मॉडर्न भाषा में विल पावर की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन चीजों का बात करते हैं। तो इसका कारण क्या है, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय हमारा दुर्बल हो गया है, यानी हमारे अंदर बोलते हैं ना, दम नहीं है तुम में, मतलब तुम्हारे हृदय में वो शक्ति नहीं रही, दुर्बल हो गया है तुम्हारा हृदय। क्यों हृदय की बात हो रही है, क्योंकि हृदय में ही आत्मा का वास है, हृदय में ही परमात्मा का वास है, और हृदय में ही मन का वास है, और हृदय में बुद्धि का वास है। तो आत्मा तो बलवान है क्योंकि परमात्मा का अंश है, लेकिन क्योंकि मन ने बुद्धि को पकड़ के रखा है, आत्मा कुछ नहीं कर पा, बुद्धि कमजोर होने के कारण मन अपनी मनमानी कर रहा है, जिसके कारण वो जो चाहे कर रहा है वो हमारा नहीं सुन रहा है। इसीलिए कहा गया दुर्बल, हम दुर्बल हो गए, शूद्रम हृदय दुर्बल्यम, शूद्र के जैसे, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है अपनी बुद्धि शास्त्रों से जो पढ़ता है अपनी बुद्धि के द्वारा उसको प्रयोग करते हुए अपने जीवन को मार्गदर्शन देता है, वो क्षत्रिय को भी मार्गदर्शन देता है, क्षत्रिय भी बुद्धिमान होता है क्या सही क्या गलत, और वैश्य भी कुछ हद तक कर लेता है। लेकिन शूद्र जो होता है वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, उसका काम है कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का सेवा करना, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाता। तो तुम शूद्र की भांति क्यों दुर्बल हो गए, शारीरिक दुर्बलता नहीं अर्जुन की, और नहीं भगवान उस बारे में बात कर रहे हैं, यहां बात हो रही है मानसिक या बौद्धिक दुर्बलता की, आध्यात्मिक दुर्बलता की। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि परिवार से आसक्ति है, अर्जुन अपने परिवार से आसक्त हो गया है, ये नहीं समझ पा रहा है कि कर्म के अनुसार अलग अलग जीवात्मा अलग अलग शरीर लेके साथ में आते हैं, उसको हम परिवार कहते हैं, कुछ समय रहते हैं फिर एक एक करके सब निकलते जाते हैं, यही इस संसार का नियम रहा है और यही चलेगा। पूर्व जन्म के कर्म होते हैं किसी न किसी के साथ, किसी का किसी के साथ जन्म का, पिछले जन्म का या उसके पूर्व का कर्म होता है, तो वे साथ में लाए जाते हैं एक दूसरे को सुख और दुख देने के लिए। परिवार से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है।
अपनों से ही सुख मिलेगा, अपनों से ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसक्त हैं। अगर अपनों के साथ रहते हुए आसक्ति को खत्म कर दें, इस ज्ञान को समझें कि मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन वो भी भगवान के अंश है, ये मेरी माँ है वो भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, हम तीनों भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, यहाँ साथ में आए हैं, चलो मिलके सेवा करते हैं भगवान की, तो फिर उस परिवार से आपको आनंद मिलेगा, वो परिवार आनंद में रहेगा, दुख नहीं देगा एक दूसरे को। लेकिन हृदय की कमजोरी आसक्ति ने क्या कर दिया? हृदय को कमजोर बना दिया, आत्मा को। अब मन अपने हिसाब से चल रहा है, उसी को कहते हैं हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बल हो गया। आप चाहते हैं कुछ करना लेकिन नहीं कर पाते, ऐसा होता है आपके जीवन में? आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, वो इसी के कारण होता है, हृदय दुर्बलता के कारण। वही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम आए तो हो लड़ने के लिए लेकिन लड़ नहीं रहे हो क्योंकि हृदय दुर्बल हो गया। एक बच्चा पढ़ने बैठता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है, कोई जॉब करने जाता है लेकिन जॉब नहीं करता, मन नहीं करता, बोलते हैं कई बार बोलते हैं मन नहीं करना है, ये हृदय दुर्बलता है। तो इसको कैसे हम इसमें से निकले, इसी को भगवान आगे उपदेश देते हैं। लेकिन सबसे पहले कि बुद्धि को ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि का भोजन है और उससे बुद्धि का बल बढ़ेगा, और अध्यात्म से, भगवद गीता के ज्ञान से, हरे कृष्ण महामंत्र से आत्मा का बल बढ़ेगा। जब आत्मा का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा, तो आत्मा और बुद्धि दोनों मिला के मन को क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। और जब मन कंट्रोल में होगा तो पूरा सिस्टम जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे। फिर ऐसे नहीं कि नहीं चाहते हुए कुछ और कर रहे हैं, या जो करना चाहते हैं वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक और बौद्धिक हमको शक्ति की आवश्यकता है, जो आपको भगवद गीता और हरिनाम से मिलेगा। हरे कृष्ण।